नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं आपका शो आपकी आवाज। भारत हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जहां महिलाओं को मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाता रहा है, उन्हें उनकी सीमाएं बताई जाती रही हैं, वो सीमाएं जो देश के मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से निकल के आई हैं। भले ही इंडिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है, लेकिन क्या वक्त के साथ पॉलिटिशियंस की सोच बेहतर हुई है? आज भी जब भी रेप जैसी घटनाएं घटती हैं, तब पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स दोषियों के खिलाफ ना रहकर महिलाओं को नसीहत देने में ज़्यादा केंद्रित हो जाते हैं। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया कि रेप की घटनाएं शहरों में ज़्यादा होती हैं और गांव में कम, यहाँ तक कि उन्होंने इंडिया और भारत को ही अलग अलग बता दिया। उनका मानना है कि शहर इंडिया में आते हैं और गाँव भारत में, और भारत यानी गांव जहां आज भी रूढ़िवादी परंपराओं का पालन किया जाता है, वहां रेप की घटनाएं कम होती हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से स्टेटमेंट आया कि सीता का अपहरण इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने अपनी लक्ष्मण रेखा तोड़ी थी। सवाल ये है, क्या इस तरह के सोच रखने वाले नेताओं के शासन के अंदर हमारा देश प्रगति कर पाएगा? क्या यही सोच हमारे देश के महिलाओं को, लड़कियों को सुरक्षित माहौल दे पाएगी? इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आज कुछ खास मेहमान। मेरे साथ हैं मिसेज नमिता वाजपेयी, जो कि कंटेंट मैनेजर हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में। उनके साथ हैं स्मृति शर्मा, जो कि जर्नलिज्म की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं। सबसे पहले मैं स्मृति शर्मा से जानना चाहूँगी, बीइंग अ गर्ल, आपको क्या लगता है कि जब पॉलिटिशियंस के ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि वो रेपिस्ट या ऐसे जो भी क्राइम होते हैं उनको किस हद तक सपोर्ट करते हैं? अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे कमेंट्स आना एक बहुत, इट इज़ अ वेरी डिजेक्टिंग थिंग फॉर गर्ल्स। वी आर फेसिंग अ जेंडर डिस्टॉर्टेड नेशन वेयर इक्वालिटी डिफर्स फ्रॉम हस्बैंड टू वाइफ, फ्रॉम ब्रदर टू सिस्टर। अगर हम अपने घर की ही बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है, चलिए अगर हम बात करते हैं रूरल एरियाज़ की, जैसे आपने बताया, तो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में ऐसा डिफरेंस आ गया है कि रूरल एरियाज में बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है दैन गर्ल्स, कि लड़कों को स्कूल जाने दीजिए और लड़कियां घर बैठे। तो ये अपब्रिंगिंग दिखाता है इंसान की, और हमारे घरों में ही हमें ये सिखाया जाता है कि लड़कियां घर का काम संभालें और लड़के जाके बाहर काम करें। तो ये यही रिफ्लेक्ट करता है। एक तरफ हम बात करते हैं दैट वुमेन आर हेल्ड एज गॉडेसेस, बट दिस these comments it demeans what we feel that ladkiyon ko ek ladkiyan ek inferiority complex jhelti hain is puri society mein, aur agar politicians ke aise comments aate hain to isse in barbarians ko ek badhava hi milta hai, aur mere according this is a very dejecting thing for girls। current scenario ko dekhte hue ek statistical data mila jisme paya gaya कि इंडिया में हर 54 मिनट्स पे रेप कमिट होते हैं, हर 26 मिनट्स पे मॉलेस्टेशन होता है, और हर 51 मिनट्स पे ईव टीजिंग। मिसेज नमिता, आप एक वर्किंग वुमेन होने के साथ साथ पेरेंट भी हैं, आप अपने आप को, अपनी फैमिली को इस कल्चरल और मॉरल वैल्यूज ओरिएंटेड कंट्री में कितना सेफ महसूस करती हैं? जब आप कल्चरल और मॉरल वैल्यूज़ ओरिएंटेड कंट्री कहती हैं, तो अभी आपने सीता जी का जिक्र किया। हमारे देश में तभी भी सीताएं थीं, द्रौपदी थीं, जिनको पूरा प्रोटेक्शन था, लेकिन फिर भी भरे दरबारों में उनकी, उनके आत्मसम्मान की रक्षा वो कर नहीं कर पाई किसी हद तक। और हमारे देश में आज भी सीताएँ हैं, द्रौपदी हैं, जिनको हर पल अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए आज भी लड़ना पड़ता है। बीइंग अ पेरेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें अपने समाज को, स्पेशली गर्ल्स को, इस तरह से पालना है, उनको इस तरह से बड़ा करना है, उनको ऐसी शिक्षा देनी है जहां वो अपनी सुरक्षा की चिंता खुद कर पाएँ, बजाय इसके कि वो दूसरों पर निर्भर करें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो जिन पर निर्भर करती हैं वो रक्षक ही उनके भक्षक बन जाते हैं। दूसरी चीज़, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लड़कियों को, our constitution guarantees us the freedom of equality irrespective of their caste, creed, religion or sex। लेकिन reality में देश के 65 सालों की आज़ादी के बाद भी
कि आज हम ये इंश्योर कर पाए हैं कि हमारे देश में लड़कियों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। मानसिक तौर पे हमारे साथ हमारे देश में आज भी लड़कियों के साथ उतना ही भेदभाव होता है। आज भी उनको बताया जाता है कि उनको किसी एक ख़ास जगह पे नहीं जाना है, उनको एक ख़ास समय के अंदर अंदर घर वापस आ जाना है। भले हम अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन अप कर रहे हैं और लड़कियों को काम करने के लिए बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन शायद हम अपनी उस मानसिकता से कहीं भी नहीं उबर पा रहे हैं जहां हम लड़कियों के लिए एक चार्ट बना के तैयार रखते हैं और उसे ये बताते हैं कि तुमको ये कंडीशन वाइज फॉलो करना है, तब तो तुम बाहर काम करने जा सकती हो, अदरवाइज नहीं जा सकती हो। तो शायद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा समाज, जो कि ऑब्वियसली इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो मेल डोमिनेटेड है, उसमें आज भी हम लेडीज़ को एक सेकेंड ग्रेड सिटीजन मानते हैं। दे आर सपोज टू प्ले द सेकेंड फिडल टू द मेल्स, और आज भी वो उनकी एट्रोसिटीज़, उनके असॉल्ट्स, उनके हर तरह के असॉल्ट्स, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सब चीज़ सारे असॉल्ट्स सहती हैं और फिर भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने के लिए तैयार रहती हैं। ज़रूरत है मानसिकता को बदलने की, समाज की, हर एक इंसान की। जब भी लड़कियां बाहर जाती हैं, उन्हें सिखाया जाता है ये कपड़े पहनिए, ये ना पहनिए। आपको क्या लगता है कि क्या ड्रेसिंग सेंस का कहीं से भी रेप होने का कोई कोरिलेशन है या नहीं? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं ये मानती हूँ कि ड्रेसिंग सेंस का बिल्कुल कोरिलेशन नहीं है इस तरह के इंसिडेंट्स के साथ, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। किसी हद तक ये हो सकता है, लेकिन आउट एंड आउट यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे देश में रेप हो रहे हैं या इस तरह की हेनस क्राइम्स हो रहे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। अगर किसी एक 5 साल की बच्ची का रेप होता है तो ये उस बच्ची का दोष नहीं है, ये दोष है उस आदमी का जो अपनी सड़ी हुई, गली हुई मानसिकता के साथ उस बच्ची को अप्रोच करता है। अगर किसी हैंडीकैप, डेफ एंड डम वुमन के साथ इस तरह की कोई भी घटना घटती है तो ये, क्योंकि वो हेल्पलेस है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वो आवाज़ नहीं उठा सकती, वो नहीं लड़ सकती इस तरह के अत्याचार के अगेंस्ट, इसलिए उसको एक सॉफ्ट टारगेट मानते हैं और उसकी तरफ इस तरह से अप्रोच करते हैं। तो ये सिर्फ लड़कियों के पहनावों को लेके नहीं है, ये इस समाज की विकृत मानसिकता भी है, परपेट्रेटर्स की सिक मेंटालिटी है जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, वो नहीं रोक पाते अपने आप को इतने घटिया काम को करने से। मिस प्रीति, आप खुद रोज़ कॉलेज जाती हैं, आप कितना अपनी ड्रेसिंग सेंस पे फोकस करती है कि आपको कहीं कोई गंदे कमेंट्स ना मिले, आपको कोई ये ना कह के जाए अरे ये कपड़े पहन रखे हैं? तो ये किस हद तक आपको मेंटली परेशान करता है कि आपको सोचना पड़ता है कि हाँ ये पहने ये ना पहने, ये किस हद तक आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है? ये हमारी मेरी लाइफ को स्पेशली इम्पैक्ट करता है कि मेरे पास बहुत लोग, जब मैं जाती हूँ तो ईव टीजिंग होती है, मॉलेस्टेशन होता है, हैरेसमेंट होता है। ये जनरली मेरे नहीं, हर लड़की के साथ होता है, लेकिन हमें ये सिखाना चाहिए, ऐसी अपब्रिंगिंग देनी चाहिए कि लोगों की साइकी में ये चीज़ ना आए कि लड़की ने अगर ऐसे कपड़े पहने हैं तो उसका रेप होगा एंड शी इज़ प्रोन टू रेप। दिस अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट करेक्ट। अभी एक हाल ही में न्यूज़ आई थी कि दिल्ली में दानिश वुमन थी 51 ईयर्स की, उनका रेप हुआ। फिर कर्नाटका में 5 साल की बच्ची का रेप हो गया। तो ये इंसिडेंट्स क्या दिखाते हैं? सिंपली ये एक साइकी की बात है कि ड्रेसिंग सेंस इज कोरिलेटेड विद रेप्स, बट अकॉर्डिंग टू मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम निर्भया केस के बारे में सोचते हैं, हमारे अंदर दुख, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन जैसे इमोशंस रिफ्लेक्ट होते हैं। पर वही दूसरी तरफ एक महिला पॉलिटिशियन की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आता है कि निर्भया बाहर रात के 11 बजे अपने दोस्तों के साथ क्या कर रही थी। आपको क्या लगता है, एक औरत की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट आना समाज को कितना, वो भी ऐसे समाज में जिसमें मेल डोमिनेशन एक हद तक बहुत है, वहाँ पे कितना इम्पैक्ट करता है? क्योंकि अगर वुमेन की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो हम मेल सोसाइटी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब एक वुमेन ही दूसरे वुमेन के सपोर्ट में नहीं है? आपका इस पे क्या राय है? मुझे लगता है कि इस तरह के स्टेटमेंट अगर वुमेन पॉलिटिशियंस या पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि फीमेल्स हैं और जो स्पेशली फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में,
या लॉ मेकिंग बॉडीज़ में उनकी तरफ से अगर इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं तो वो डिप्लोरेबल हैं, क्योंकि वो इस तरह के एक्ट्स को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हैं। उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखते हुए हमारी अथॉरिटीज़ को ऐसा एक्शन लेने पर मजबूर करें जो दूसरों के लिए एक सबक हो, इन परपेट्रेटर्स के लिए, इस तरह के क्रिमिनल्स के लिए एक सबक हो, एक डेटरेंट के फॉर्म में सामने आए और सोसाइटी में इस तरह का एक मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डाउन द लाइन जाना चाहिए कि अगर हमने ये किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। तो मुझे लगता है कि हमको हमारा थ्रस्ट उस पर होना चाहिए बजाय इसके कि हम विक्टिम को प्रीच करें कि विक्टिम को ऐसा नहीं करना चाहिए था तो उसका रेप हो गया। अगर वो ऐसा नहीं, आप एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव की, MLA की बात करिए, शी इज़ अ पॉलिटिशियन और फॉर दैट मैटर आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन जैसे आसाराम बापू टाइप के लोग हैं, जब आप इनकी बात करिए तो वो भी इसी तरह के उपदेश देने के में बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं। निर्भया केस के 10 दिन के बाद आसाराम बापू का टेलीविजन सेट्स पे, सारे टीवी चैनल्स पे यही स्टेटमेंट आया था कि अगर उनसे लड़ने के बजाय वो लड़की भैया मुझे छोड़ दो, उनके पैर छूती, उनके हाथ जोड़ती, तो शायद वो लोग दया कर लेते। क्या इस तरह के क्राइम को करने वाले क्रिमिनल्स जो उस समय उस पर्टिकुलर मोमेंट पे इतने बारबेरियंस होते हैं और इतनी बुरी तरह उसके साथ कुकृत्य कर रहे थे, क्या वो भैया और बाबा सुनते उस समय? मुझे नहीं लगता कि उसके किसी भी तरह की गुहार को वो मानते। तो उसके पास एक ही चारा था कि वो लड़के अपने आप को बचाती, और मुझे लगता है कि आज समाज में शायद इसी चीज़ की ज़रूरत है। हर लड़की को वेल इक्विप्ड होना चाहिए अपने आप को खुद पहले प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके अलावा हमारा ये एक सतत प्रयास होना चाहिए, हमारा एक कंटिन्यूस एफर्ट होना चाहिए कि हम इस तरह की साइकोलॉजी को ही चेंज करें जो इस तरह के क्राइम्स के पीछे है। तो ज़रूरत है लड़कियों को रोकने की नहीं, लड़कों की मानसिकता को चेंज करने की। उन्हें ये सिखाया जाना चाहिए कि एक लड़की की डिग्निटी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। शायद मेरे हिसाब से उसकी भी डिग्निटी उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी एक मेल मेंबर की डिग्निटी या किसी भी आदमी की डिग्निटी वैल्यूएबल है। उसकी डिग्निटी को भी उतनी ही वैल्यू दी जानी चाहिए, वो भी उतनी ही वर्थवाइल है। ये था आपकी आवाज़ का एक महत्वपूर्ण भाग जिसने हमें मजबूर कर दिया ये सोचने के लिए कि आखिर कब तक रेप के विक्टिम्स लोगों की विचारधारा की वजह से प्रताड़ित होते रहेंगे। ज़रूरत है चेंज आए लोगों की सोच में, उनके व्यवहार में। इसी के साथ मैं ऐश्वर्या आपसे विदा लेती हूँ। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए NBC News।